आज मैं आप लोग के बीच बताऊंगा पदबंध। पदबंध कहा किसे जाता है, पदबंध होता क्या। पदबंध दो शब्द के मेल से बना, एक पद और दूसरा पद। शब्द और पद में अंतर जान लीजिए। शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं वह कहलाता है पद। कई पद मिल करके वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं तो वह कहलाता है पदबंध। जब कई पद बंध कर व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। जैसे रमेश रो रोकर चला गया। रो रोकर दोनों के अर्थ एक ही हैं, दोनों यहाँ क्रिया का कार्य कर रहे हैं। ये भी पद और ये भी पद दोनों पद बंध कर एक ही क्रिया का कार्य कर रहे हैं, यह कहलाता है पदबंध। अब देखिए पदबंध पांच प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया पदबंध। संज्ञा पदबंध किसे कहा जाता है, जब कई पद बंध कर संज्ञा का कार्य करते हो तब उस बंधी हुई इकाई को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जब कई पद बंध कर संज्ञा का कार्य करते हो तब उस बंधी हुई इकाई को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे रमेश इसमें संज्ञा है, रमेश के साथ तीन पद जुड़े, ये तीनों पद सिर्फ रमेश के साथ जुड़े हैं, संज्ञा के साथ जुड़े हैं और संज्ञा के साथ जुड़ने के साथ ही साथ यह हो गया संज्ञा पदबंध, क्योंकि ये रमेश के साथ जुड़े हैं, संज्ञा का कार्य ये भी कर रहे हैं। रमेश है संज्ञा, संज्ञा के साथ ये तीनों पद जुड़े हैं, इसलिए यह कहलाया संज्ञा पदबंध, क्योंकि ये भी संज्ञा का कार्य ही कर रहे हैं। ये तीनों पद जुड़ करके कोई अलग कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह पद यहाँ तक संज्ञा पदबंध ही कहलाता है। कई पद जुड़े हुए हैं संज्ञा के साथ, इसलिए यह भी संज्ञा पदबंध ही कहलाता है, क्योंकि ये भी संज्ञा का कार्य ही कर रहे हैं। सामने की दुकान में चाय पीने वाला वह कहा गया। अब देखिए ये है वह,
वह है सर्वनाम, वह है सर्वनाम, और ये सारे पद सर्वनाम के साथ ही जुड़े हैं। सिर्फ यहाँ यह भी कह सकते थे कि वह कहाँ गया है, वह है सर्वनाम, ये सारे पद सर्वनाम के साथ जुड़े हैं, इसलिए यह कहलाए सर्वनाम पदबल, क्योंकि ये भी सर्वनाम का ही कार्य कर रहे हैं। कई पद जुड़ करके जब सर्वनाम के साथ आते हैं और वह भी सर्वनाम का ही कार्य करते हैं, तब वह कहलाता है सर्वनाम पद बंद, क्योंकि सर्वनाम के अलावे और कोई दूसरा कार्य इस इन सारे पदों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह भी सर्वनाम के ही साथ है, सर्वनाम का ही कार्य सारे पदों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए सर्वनाम के साथ यह आए हैं और यह कहलाता है सर्वनाम पद। विशेषण पदव, विशेषण पदव किसे कहा जाता है? जब कई पद बनकर विशेषण का कार्य करते हैं, वाक्य में कई पद जब विषय आकर विशेषण का कार्य करते हों, तो वह कहलाता है विशेषण पदबंध। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बताना। जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती हो, तो वह कहलाता है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम को विशेष भी कहा जाता है। जब विशेष की विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है, वह कहलाता है विशेषण। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जितने भी पद आते हैं, उन सारे पदों को कहा जाता है विशेषण पदबंध, क्योंकि वे सारे विशेषण के पद एक दूसरे से बंधे होते हैं व्याकरणिक दृष्टिकोण से, इसीलिए उसे कहा जाता है विशेषण पदबंध। जैसे देखिए, अब देखिए इसे अच्छी तरह से समझना है, विशेषण पदबंध और संज्ञा या सर्वनाम पदबंध में अंतर क्या होता है। है यह रमेश संज्ञा, लेकिन संज्ञा के पहले तक जितने भी पद इसमें आए हैं, वे संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा के पहले जितने भी पद इसमें आए हैं, वे सारे पद संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ये छह पद जो आए हैं, ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है विशेषण पदबंध, क्योंकि यह रमेश की विशेषता को ही परिभाषित करता है, विशेषता को ही बताता है, इसलिए यह कहलाया विशेषण पदबंध। अगर यहाँ तक रेखांकित हो, तब यह कहलाता है संज्ञा पदबंध, तब फिर ये सारे पद संज्ञा से जुड़ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ तक ही रेखांकित होता है, तब यह कहलाता है विशेषण पदबंध, क्योंकि ये सारे पद रमेश की विशेष की विशेषता बताने के लिए आए हैं। ये सारे पदों से रमेश की विशेषता का पता चलता है, इसलिए यह कहलाता है विशेषण पदबंध, क्योंकि रमेश की विशेषता है कई महीने से वह बीमार था, ये उसकी विशेषता थी, और इसी विशेषता को परिभाषित करने के लिए ये कई पद इसमें आए हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है विशेषण पदबंध। क्रिया पदबंध किसे कहा जाता है? वाक्य में क्रिया का कार्य करने वाले कई पद आते हैं एक साथ, तो वह कहलाता है क्रिया पदबंध। जैसे
इतराती चली गई, बच्चा गिरता पड़ता भाग गया, रेलगाड़ी सरपट दौड़ती चली गई। जब ये क्रिया के साथ अन्य क्रिया उसी के साथ जुड़ती है, एक कार्य को बताने वाले एक क्रिया के साथ और क्रिया जब जुड़ जाती है तो वह क्रिया पदबंध कहलाती है। जैसे देखिए, एक क्रिया आई है, दूसरी क्रिया भी उसी कार्य करने के लिए, वही कार्य करने के लिए जो वाक्य में आती है, दोनों क्रिया मिल करके एक क्रिया पदबंध हो जाती है, तब वह कहलाती है क्रिया पदबंध। एक कार्य को करने के लिए बच्चा गिरता पड़ता भाग गया, बच्चा गिरा, इस गिरा शब्द को बताने के लिए कई क्रियाएं जब आती है तो वे सारी क्रियाओं को, उन सारी क्रियाओं को कहा जाता है क्रिया पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण का अर्थ जान लीजिए। क्रिया विशेषण हम उसे कहते हैं जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता हो, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती हो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण पदबंध। इसके पहले भी हम बताए थे विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण जो किसी विशेष की विशेषता बताता हो, बताती हो, उसे कहा जाता है विशेषण, जिसे विशेष भी कहा जाता है। विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण देखिए, वाक्य में जो क्रिया की विशेषता बताई जाती हो कई पदों से, एक पद से नहीं कई पदों से जब क्रिया की विशेषता बताई जाती हो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण, कैसे दाता शब्द है क्रिया, क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द से बताई जा रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्योंकि यह है क्रिया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में जब क्रिया की विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्द आता हो, क्रिया की विशेषता बताने के लिए जब विशेषण शब्द आता हो तो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। और ये सारे पद वाक्य में आए बंध करके एक क्रिया के साथ कई क्रियाएं, क्रिया की विशेषता बताने के लिए आती हो तो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध के पांच भेद, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ये पांचों कहलाते हैं पदबंध। तो अब मैं पदबंध को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर हमारी मुलाकात होगी। बस आज तक के लिए यहीं मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सबों को देता हूँ अशेष धन्यवाद।